नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। भारत ने रद्द किया चीनी अलगाववादी नेता डॉल्कन ईसा का वीजा, चीन की आपत्ति के बाद भारत ने लिया यूटर्न। सीरिया में ड्रोन अटैक में मारा गया एसआईएस रिक्रूटर, भारत में एफबी से करता था आतंकियों की भर्ती, बगदादी का खास था मोहम्मद शमी अरमार। ब्रिटेन से यूरोपीय संघ में बने रहने की अपील के बाद अब ओबामा की धमकी, कहा अगर यूरोपीय संघ से बाहर हुए तो अमेरिका के साथ कारोबारी संबंध बनाने में लगेंगे कई साल। ओबामा की धमकी से ब्रिटेन में गुस्सा। द संडे टाइम्स ने जारी की रईसों की सूची, शीर्ष दोनों स्थानों पर भारतीयों का दबदबा। भारत में जन्मे रुबेन बंधु पहले स्थान पर, हिंदुजा ब्रदर्स नंबर दो के स्थान पर। अमेरिका ने पाक को चेताया, कहा हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ करे ठोस कार्रवाई, आतंकी समूहों के बीच भेदभाव नहीं करने की प्रतिबद्धता का करे सम्मान। पिछले साल नेपाल में आए भयानक भूकंप की पहली बरसी, आज नेपालियों ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि, आपदा में गई थी 9,000 लोगों की जान। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।